दहेज में कार न मिलने पर बारात नहीं लाया दूल्हा, दुल्हन ने किया थाने में शिकायत। बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, दूल्हे के साथ लूट की घटना को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ग्राम प्रधान गायब, महिला के गायब होने से इलाके में मचा हड़कंप। बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, महिला के साथ लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तीन फर्जी पैथ लैबों का किया खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस में बड़ी बैठक हुई है और इस दौरान बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ सीपी एस बी शिरकर और जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्या मौजूद रहे। बता दें बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। औरैया अपर जिला अधिकारी औरैया अब्दुल बासित ने जिला अस्पताल औरैया का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएमएस कक्ष भी बंद मिला, इसके साथ ही दवा वितरण काउंटर पर भी कोई कर्मचारी वहां पर उपस्थित नहीं मिले और अस्पताल में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा मिला। बता दें निरीक्षण के दौरान उन्होंने डॉक्टरों को भी अनुपस्थित पाया। पब्लिक आती है उनको दवाएं नहीं मिलती, दवाएं जो मिलती हैं वो आधी अधूरी मिलती हैं, उनको बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे इसमें जांच के लिए नामित किया गया था कि इसकी भी जरूरत जाँच की जाए। आज मैं सवेरे 8:15 यहाँ आ गया तो यहाँ पर एक डॉक्टर को छोड़ कर साहब का भी चैम्बर में ताला लगा हुआ था। इसके अलावा बाथरूम देखा मैंने, नहायत ही गंदा है, कमरों से इतनी स्मेल, इतनी बदबू आ रही है कि वहाँ मरीज कैसे रहते हैं ये तो बेचारे वही समझें। गाजियाबाद थाना क्षेत्र के ट्रोनिका सिटी में नदीम नामक एक युवक ने एक 19 साल की युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर बलात्कार किया, जिसके बाद युवती ने घर पर बताया तो उसके पिता ने उसके साथ थाने पहुंचकर वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई। दो समुदाय का मामला होने के कारण मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नदीम नाम का लड़का हमारी लड़की को बहला फुसला के ले गया, गंदा काम किया। अच्छा, हाँ। आप कहाँ है नदीम? नदीम यहाँ है, यही थाने में अंदर। थाने में बंद है, आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई करना चाहते हैं। के द्वारा तहरीर दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम नदीम है, उसने काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले जा कर के धोखे से उसके साथ बलात्कार कारित किया है। उसके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है तथा आरोपी को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक हिंदू बेटी को बहकर फुसला करके और फैक्ट्री में सर्विस कराने के लिए लेगा, उसके साथ जो है बलात्कार किया, उसने गंदी हरकत करी। क्या नाम है उसका? नदीम नाम है उसका, नदीम। अच्छा, अभी कहाँ है नदीम? नदीम जेल में बंद करा दिया, थाने बंद करा दिया है। अच्छा, थाने बंद करा दिया है। खबर फिरोजाबाद से है जहां उत्तर प्रदेश परिवहन अपने किराए में बढ़ोतरी करके अपने यात्रियों को एक बड़ा झटका देने का काम किया है। रोडवेज की बसों में लगभग 20% से लेकर 25% तक किराए में बढ़ोतरी की गई, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। वहीं यात्रियों का कहना है एक तो पहले से ही इतनी वह
वहीं यात्रियों का कहना है कि एक तो पहले से इतनी महंगाई और ऊपर से रोडवेज ने अपना किराया बढ़ा दिया, जिससे हम लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और तो और प्रदेश सरकार अपनी रोडवेज की बसों में सुधार नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें जर्जर हालत में है, लेकिन सुविधा के नाम पर यात्रियों को कुछ नहीं मिलता है। सवारियों में और आप में क्या बात होती है किराए बढ़ोतरी को लेकर? किराए के विषय में बता दे रहा हूँ आपको कि 80% लोग हैं संतुष्ट हैं और पेपर के माध्यम से अवगत हो गया है। 20% लोग हैं वो तो थोड़ा अभी उसको ज़्यादा किराया समझ के प्रचलित तो होते हैं। किराया बढ़ चुका है कुछ 50-50। क्या कहना चाहते हैं आप भैया इसमें? ये कहना चाहते हैं इसमें हाल कोई गरीब इंसान पे इतना किराया नहीं हो तो वो अपना किराया कहाँ से देगा? इतना पैसा बढ़ा दिया इनने किराए के लिए। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा किराया कम करें, पहले जितना था उतना ही रहने दो। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद के सूर्य विहार स्थित अल्फा डायग्नोस्टिक पैथ लैब, बल्लभगढ़ के मोहना रोड स्थित भावरा पैथ लैब और पलवल के जैंदीपुर मोहल्ला स्थित कृष्णा पैथ लैब पर छापेमारी कर फर्जी तरीके से चल रहे इन पैथ लैबों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर सभी के खिलाफ स्थानीय थानों में FIR दर्ज करवाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तीन अलग अलग स्थानों पे पैथ लैब्स को चेक किया गया, जो जिसमें स्थानीय विभाग जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स तीनों अलग अलग जो साथ में थे टीम के, जिसमें सूचना ये थी कि इनके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है और ये गैर कानूनी रूप से लैब चलाते हैं। जो एक लैब पल्ला थाना के क्षेत्र में थी, एक लैब सिटी बल्लभगढ़ के एरिया में और एक पलवल में, और तीनों ही अनधिकृत मिली, जिसमें डॉक्टर साहब के द्वारा तीनों अलग अलग FIR तीनों थाने में दर्ज करवाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर फरुखाबाद से है, जहां महिला को उसके पति ने कई महीने पहले 3 तलाक दे दिया था, जिसके बाद पति अब पत्नी को वापस लाने के लिए अपने पिता के साथ हलाला करने का महिला पर दबाव बना रहा है, जिससे परेशान होकर महिला DMSP के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने रो रोकर गुहार लगाई है और साथ ही कहा कि प्रार्थना पत्र सौंप कर कहा कि अगर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपनी मासूम बेटी के साथ आत्मदाह करेगी। मेरा पुष्पा जनपद एटा के निवासी है, वो कहते हैं कि मेरे साथ हलाला कर तब मैं रखूंगा। मैंने उनका विरोध किया तो उनके साथ आए सारे उनके परिवार के लोग, अली अशरफ कादरी उर्फ शानू, सईदुल्ला कादरी, रेहाना बेगम, नीता, शोएब जो मेरे देवर हैं, फैजी जो के पेशे से अधिवक्ता हैं वो भी मेरे देवर हैं, मेरे चचिया ससुर मुशीर कादरी, ये दूसरे चचिया ससुर गुलाम सरबर हैं, सईदुल्ला कादरी के भाई। खबर अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके का है, जहां दहेज में कार की मांग पूरी न होने के चलते दूल्हे द्वारा बारात न लाने का मामला सामने आया है। वहीं दूल्हे द्वारा बारात न लाने पर दुल्हन थाने पहुंची और दूल्हे के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और इस घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई है और दूल्हा पक्ष को थाने में बुलाकर सुलह कराते हुए दूल्हा व दुल्हन की थाने में शादी करवाई। वहीं ये अब पूरे अलीगढ़ जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जेवर के पास कितने दिन पहले रिश्ता तय करा था आपने? रिश्ता मेरा साल बाद तय किया था सर, 5-6 महीने पहले गोद भरी गई। अच्छा, लड़की की कोई लेन देन की बात? सर पहले लेन देन की बात कुछ नहीं थी, रोटी बेटी थी हमारी। अच्छा, फिर उसके चार दिन पहले मना करा था साहब हमें पूरी गाड़ी चाहिए या पूरी गाड़ी नहीं तो पलट दीजिए। अच्छा, इस वास्ते इन्होंने मना करा है। कार चाहिए थी। तो कितने दिन पहले आपका रिश्ता तय हुआ था? ये 1 साल हो गए। अच्छा, फिर वजह क्या थी? कार मांग रहा था, वो कार ली थी हमने, इसे मिल गया है बारात लेके। तो आपने कोई एप्लीकेशन या कुछ ऐसा थाने में दिया? एप्लीकेशन दी। फिर अब शादी के लिए राजी हो गया? जी। कब बारात आनी थी, कहाँ से बारात आनी थी? आज बारात आनी थी।
कहाँ से आनी थी? जेवर टंबल से। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अकबरपुर क्षेत्र में तीन अपाचे सवार बदमाशों ने एक दूल्हे के साथ 2.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें, घटना के बाद बारात में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई, पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। खबर फिरोजाबाद से है, जहां युवक दूल्हा बनने से पहले ही युवक पुलिस हिरासत में पहुंच गया। बताया गया कि फिरोजाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि युवक एटीएम तोड़कर पैसे इकट्ठा करता था। वहीं पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसमें एक आदमी जिसका नाम आकाश गुप्ता है, उसको पकड़ा गया है। उसके पास से गैस कटर तथा एक ऑक्सीजन सिलेंडर और आपका एलपीजी सिलेंडर, उसके अतिरिक्त पेट्रोल, काला पेंट जो कि वो कैमरों पर भी कह कहते हैं काला पेंट का स्प्रे मार देता था, वो बरामद हुई है। उसके अतिरिक्त तमाम ऑपरेटर्स बरामद हुए, जिससे वो एटीएम के बॉक्स को खोलने में यूज़ कर रहा था। निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा कार्य है। खबर संभल से है, जहां दलित युवती ने अपनी बेटी की बारात को दबंगों द्वारा रोकने और धमकी की शिकायत करते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, जिसके चलते पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच बारात को सुरक्षित निकलवाया। बता दें, इस दौरान पुलिस ने ड्रोन से भी बारात की निगरानी करवाई, जिसके बाद जहां ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। और समाज ने मेरी बारात और गांव वालों ने बारात चढ़वाई है, बड़ी सुख शांति से बारात आई है। दरवाजे पे मेरे पे कोई बात नहीं हुई है और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ सर कि मुझे मान सम्मान दिया है आप लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए और उसके मीडिया के लिए? मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पुलिस का सहयोग पूरा रहा आपको? पूरा रहा पुलिस का सहयोग। पुलिस साथ रही बारात के? साथ रही है पुलिस के, और दोपहर भी आके हमारी सारी वो करी है, और जहाँ से बारात चढ़ना स्टार्ट हुई है हमारे दरवाजे तक पुलिस। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो है एक बता रहे थे कि बारात बारात के लिए। उत्तर प्रदेश की अमेठी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला प्रधान घर से गायब हो गई। बता दें, प्रधान के घर वालों ने पिछले 5 दिन से खोज कर रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। महिला प्रधान के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और वो घर से 3 बजे निकली है, जबकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तो बच्चों का खाना वाना दे करके 220 रुपया बड़ी लड़की को दे करके कहा आप लोग पढ़ने जाना, हम जा रही हूँ अपने नैहर, और वहाँ से 2-3 दिन में हम वापस आ जाएंगे। तो कितने दिन से गायब था? एक गायब शुक्रवार को 3 बजे से है। तो थाने पे आपने तहरीर दिया है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी बहू पर जगरू सन ऑफ रमऊ द्वारा एक लिखित सूचना उपलब्ध कराई गई कि उनकी बहू मीना देवी, जो कि वर्तमान ग्राम प्रधान है ग्राम गोपालपुर की, दिनांक 3 फरवरी 2023 को घर से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। उक्त सूचना के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई है तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। उसने बोली बाजार से साग सब्जी ले आई, आके उन्हें चला गया बाजार। बच्चे आ गए स्कूल से पढ़ के, उनको 10 रुपये 5 रुपये दे के दुकान भी निकाल दी। मेरी माँ थी, वो बकरी लेके चली गई खेत में। उसके बाद सर उसने किसी से बोला ना किसी ने बात किया, वो अपना बच्चा एक छोटा ली और घर से निकल पड़ी। सर निकलने के बाद सर हम बाजार से आए, देखे तो हमने कहा कि गांव में सर बथुआ सो नोचने जाते हैं सर परिवार वाले, उसके संग में गई होगी। फिर सर 5-6 बज गए, मेरी बेटी बड़ी वाली बताएं। खबर बुलंदशहर से, जहां खेत जा रही महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, और महिला के कानों से कुंडल लूट कर 2 बाइक सवार मौके से फरार हो गए। बता दें, इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए।
खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हुए हैं। बता दें कि महिला से जा रही महिला के साथ घटना लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला के कान से उनके कुंडल को लूट लिया गया है। वहीं पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।